हेलो फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन विथ मनोज की एक न्यू एंड फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि हम हमारी पेनिस को, यानी कि हमारी जो लिंग का साइज है, उसको हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शेयर किए थे, मैंने आपको वो चीज़ बताया था कि आखिर हम पेनिस को, यानी कि हमारी जो लिंग है, उसको बड़ा क्यों करें, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या ट्रूथ है। यदि आपने मेरे वो वीडियो पूरे देखे होंगे तो आई थिंक कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा 100%। तो आपने क्वारी किए थे और मैंने उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया और आपने भी बहुत सारे कमेंट्स शेयर किए हैं हम लोगों के साथ। फ्रेंड्स, तो वो चीज़ को सोचिए कि फ्रेंड्स, पेनिस हम बड़ा क्यों करें, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया हो, इससे पिछले वाले वीडियो में। सेकेंड चीज़ है फ्रेंड्स, पहले तो आप वो कोशिश कीजिए जानने के लिए जो वजाइना है, जो यूनी है, जिसके अंदर आप लिंग प्रवेश करते हो, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए और आप आपकी फंडामेंटल क्लियर कीजिए, साथ ही साथ आपकी पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हम हमारी पेनिस को कैसे एनहांसमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट भी क्या रहेगा, वो भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, बने रहिए टिल एंड तक, क्योंकि आप कुछ जानना चाहते हो, इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू देन ये वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट होता है फ्रेंड्स, आपके मन में जो सवाल था कि पेनिस को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा एज पर माई ओपिनियन। पहले तो मैंने आपको बताया था कि पेनिस का जो साइज़ है वो जो आपको मिला है, यदि आपका पेनिस इरेक्टल यानी कि 100% खड़ा होने के बाद 3 इंच से कम है, तभी तो आप डॉक्टर का सलाह लीजिए, सेक्सोलॉजिस्ट का सलाह लीजिए, क्वालिफाई से उनका जो प्रोसीजर होता है, काउंसिल का प्रोसीजर होता है, उनसे आप बात कीजिए। यदि 3 इंच से कम है तो अदरवाइज वेल एंड गुड, जो आपको मिला है, जो भगवान ने दिया है, जो कुदरत ने दिया है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, दिस इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सेकेंड चीज। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, पेनिस को एनहांसमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑपरेशन या सर्जरी का इसका मदद लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऑपरेशन करने फ्रेंड्स, देयर इज़ लॉट ऑफ मनी आपको पे करना पड़ रहा है, बट डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं देगा कि फ्रेंड्स आपका पेनिस बड़ा हो जाने के बाद वो सही वे से काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रेंड्स, देर इज़ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। आप पेनिस को एनहांसमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे इशूज है कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इशूज हो सकता है, आपकी नसों में कोई इशूज आए, हो सकता है आपका जो डिस्चार्ज का वे है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाए, जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का इशूज हो सकता है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट तो होता है कुछ डिवाइसेस है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कुछ डिवाइसेस है जिससे आप पेनिस साइज को 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक आप लंबा कर सकते हो, बट उसमें फ्रेंड्स खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स है, आपकी नसों में इश्यूज हो सकता है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो जो वैक्यूम पंप्स होता है, जो आप बेसिकली इसको आप सेक्स टॉयज बता सकते हो, ये सेक्स वेबसाइट में भी अवेलेबल होता है, वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन से भी अवेलेबल है, amazon.com पे जाकर वैक्यूम पंप को आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा पहले जो मैंने आपको बताया था कि यदि आपका लिंग इरेक्टर यानी 100% खड़ा होने के बाद 3 इंच से कम है तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप एक डॉक्टर से बात कीजिए, दिस इज़ गुड फॉर यू। तो इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, अपने मन से कुछ भी मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चीज़ ना करें। वैक्यूम पंप अवेलेबल है, इसको आपको फ्रेंड्स डेली बेसिस में इस्तेमाल करना होता है, 2 घंटा से 3 घंटा तक, बट उसमें भी सेम इशूज है। एक वैक्यूम पंप है, जो पंप यहाँ पर दिया गया है, जो ब्लैक पंप है, उसको जब आप स्ट्रेच करते हो तो वो आपकी जो पेनिस है, पेनिस को उस पंप को लगाने के बाद आप जब उसको करते हो तो वो आपके जो नसें हैं, आपके जो स्किन है पेनिस की, उसको वो धीरे धीरे क्या करता है, स्ट्रेच करता है, यानी कि आगे वो स्ट्रेच करने आगे जब वो स्ट्रेच करता है तो उसमें थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट होता है, वो भी 1-2 महीने के बाद।
बट फ्रेंड्स इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने बताया, इरेक्टाइल में इशू हो सकता है आपका, आपकी नसों में भी इशू हो सकता है। तो इस चीज़ को करने से पहले एक चीज़ तो आपको सोचना है, इधर आप एक डॉक्टर से बात करेंगे। थर्ड पॉइंट्स होता है फ्रेंड्स जो होता है कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वो चीज़ आप कर सकते हो जो कि आपकी पेनिस के लिए गुड रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा फ्रेंड्स कि पेनिस का साइज़ का जो डाउट्स था मैंने क्लियर कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने बताया, कैसे करना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड चीज़ आता है कि जो हमारी डिस्चार्ज क्यों होता है, डिस्चार्ज एयरली डिस्चार्ज क्यों हो जाता है, जो आपका इशूज होता है, आपकी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ द इशू इन यंग एंड यूथ इन 21st century, ये उसके बारे में बताऊंगा, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहे हमारे साथ। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे यहाँ चैनल पर न्यू है सेक्स एजुकेशन विथ मनोज में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप आपकी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, यदि आपको लग रहा है कि आपकी सेक्चुअल लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट कुछ हद तक काम आ सकता है तो तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।